दोस्तों इस उपाय में हमें जो है नीम की शाखाएं लेनी है। नीम जो होता है दोस्तों ये एंटीबायोटिक गुणों से युक्त होता है, इसलिए जो है इसका इस्तेमाल हम पशु के थन में कर सकते हैं। और नीम की शाखाओं में से दोस्तों ये वाली जो इस हिस्से की जो मोटी शाखा है यही इस्तेमाल करनी है। इसी तरीके से जो है दोस्तों आपको भी ले लेना है और जो पत्तियाँ वगैरह हैं दोस्तों उसे जो है निकाल देना है। और उसके बाद दोस्तों इसे जो है जितना भी आपके पशु के थन का साइज हो उस हिसाब से इसे नाप लेना है दोस्तों, और नाप करके उसे काट लेना है। न तो इसे जो है दोस्तों ज़्यादा बड़ा रखना है और न ही ज़्यादा छोटा रखना है। मोटी वाली शाखा यहाँ पर इसलिए लेना है दोस्तों ताकि इसे जो है पशु के थन में डालते वक्त ये टूटे ना और जो है दोस्तों ये आसानी से निकल भी जाए। और उसके बाद दोस्तों हमें ये करना है कि हमें जो है घी या फिर मक्खन लेना है। मक्खन जो है दोस्तों अगर आपके पास है तो ज़्यादा अच्छा है, मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसके अलावा दोस्तों हमें लेना है हल्दी। हल्दी भी दोस्तों बहुत सारे एंटीबायोटिक गुणों से युक्त होता है जिसके कारण से ये थन के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं दोस्तों, इसलिए जो है इसका भी इस्तेमाल हमें यहाँ पर करना है। तो उसके बाद दोस्तों हमें ये करना है कि हमें जो है सबसे पहले घी या फिर जो मक्खन है उसे थोड़ा सा अपनी हथेली पर ले लेना है। और उसके बाद दोस्तों आधी चम्मच हल्दी लेनी है और उसको भी इसमें डाल देना है, और डाल करके अच्छे तरीके से मिलाएंगे दोस्तों जब तक कि ये अच्छा सा पेस्ट तैयार नहीं हो जाता। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों ये लेप तैयार हो चुका है। इसके बाद ये करना है दोस्तों ये जो शाखा है इसको इसमें अच्छे तरीके से लगाना है ताकि जो है जो ये लेप है अच्छे तरीके से इस शाखा में पूरी तरीके से लग जाए। इसका इस्तेमाल दोस्तों हम जितने भी दुधारू पशु हैं चाहे वो गाय हो चाहे भैंस हो चाहे बकरी हो उसमें सभी में किया जा सकता है। और इसे उपयोग करने का तरीका ऐसा दोस्तों कि इसे जो है पशु के थन में जो है घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाते हुए डालना है और थोड़ा सा हिस्सा जो है इसका बाहर निकाल के रख देना है दोस्तों ताकि बाद में इसे निकालने में आसानी हो। और दोस्तों दूध निकालने के समय इसे जो है निकाल देना है और उसके बाद दोस्तों फिर से एक नई शाखा बना करके फिर से डाल देना है, और ऐसे ही तब तक करना है दोस्तों जब तक कि आपके पशु का थन अच्छे से खुल नहीं जाता। ये थी जानकारी दोस्तों आज के वीडियो में, और ऐसी जानकारी और भी चाहते हैं आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जानकारी आप तक पहुंच सके सबसे पहले।